ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि हमसे इतना पैसा लेकर अपने पिछवाड़े में डालते हैं, या ऐसा कौन सा काम करते हैं इन पैसों से? क्योंकि हमारे ऊपर तो ये पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होता, नहीं पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर ये पैसा खर्च होता है यार। इतनी वाहियात सिक्योरिटी, इतना वाहियात बंदोबस्त, रावलपिंडी के लोग, लिटरली मेरी कुछ लोगों से बात हुए, लोग रो रहे हैं भाई, कह रहे हैं हमारे बाप दादा की तौबा, इन कुत्तों के मैच को, मतलब इन पीसीबी वालों को हम दोबारा क्या ही हम इनको बोले। खैर, इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो लास्ट को माशाल्लाह 2 बॉलों का बहुत ही थ्रिलर, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट और ऐसा मैच हुआ जो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड के बारे में बात करने लगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन भी दबाओ। हुआ कुछ यूं, कल रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 का मैच खेला जाना था। सबसे पहले तो ये बोलूंगा, इन बेगैरतों को पहले से पता था कि भाई बारिश होने वाली है, मतलब फोरकास्ट में आपको सबसे पहले ही ये बात पता चल जाती है कि भाई रावलपिंडी के मौसम में 2 महीने पहले आपको पता चल जाता है यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन इनको बस मैच उधर ही रखना होता है। खासतौर पर जब सीजन को देखते हो, ये अप्रैल का महीना जो है, यकीनन रावलपिंडी हमेशा ही बारिशों का होता है, पिछले कई सालों से इस सीजन में बारिश होती है, फिर भी जबरदस्ती जो है ये मैचेस रखवाने हैं फैसला रावलपिंडी के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम हो गया है, उसके अलावा भुक्ति स्टेडियम कोयटा हो गया, उसके अलावा अपना कायदे आजम स्टेडियम जो है वो हो गया, सरगोधा का स्टेडियम हो गया, सियालकोट स्टेडियम हो गया, ये सब क्या गैंग बैंग करने के लिए रखे हैं? ऐसे किस काम के लिए रखे हुए हैं? क्योंकि इन स्टेडियम के अंदर तो तुम लोग डोमेस्टिक तक नहीं करवा रहे हो भाई, ये भी आखिर इंटरनेशनल स्टेडियम्स है ना। लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम को छोड़ो यार, क्या ही मैं इन लोग की बकचोदी करूं, ये खुद बताओ जो इनके पास करंटली स्टेडियम है, 4 स्टेडियम को ये कहते हैं कि हमारे पास करंटली एक्टिव 4 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। अबे उन स्टेडियम की हालत जाके देखो, तुम्हें उल्टी आना शुरू हो जाएगी, इतनी बदबू आती है। मैं खुद पर्सनली PSL के मैचेस देखने गया था अभी रिसेंटली, मैंने उसका ब्लॉग भी डाला था, नहीं देखा तो जाकर देखो, देखो मैंने इन लोग को वहां पर एक्सपोज किया था। इतनी गंदी हालत स्टेडियम्स की है पाकिस्तान के स्टेडियम, ऐसा लगता है कोई कचरा कुंडी बनी हुई है। ये कौन से स्टेडियम, अभी तुम रावलपिंडी में देखो जिसमें मैच हुए कल रात का, है स्टेडियम की छतें नहीं है, चलो ठीक है मानने में आता है छतें नहीं है, कम से कम यार स्टेडियम में लोग, अबे लोग आए हैं, 2-3 हजार लोग बैठे हुए हैं, इनको उनको अम्ब्रेला प्रोवाइड करना नहीं आ रहा। अबे अम्ब्रेला छतरी तक तुम लोग प्रोवाइड नहीं करके दे रहे हो, 80 रुपए गज वाला प्लास्टिक दिया कि ये लो जी सर पे उठा के बैठ जाओ, और ना ही उनको खाना दे रहे हो, ना ही उनको पानी दे रहे हो, ना ही उनको बाहर जाने दे रहे हो, है बाहर से कुछ खाना नहीं ला सकते। स्टेडियम के अंदर अगर खाना बेचना है तुमको, जो बाउंड्री वाल के साथ बेचते हो, एक चिप्स का पैकेट 300-300 रुपए का भाई, एक चिप्स का पैकेट 300-300 रुपए का। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, कह रहे हैं कि हम वहां पर भूखे बैठे रहे, हमने बोला ये पहले 2 टके के मैच के लिए हम पैसे भी खर्च करें, उसके बाद अपने खाने के लिए इन्हीं की जेब में वापस पैसे डालें, क्यों? क्योंकि भाई ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। आप कराची के स्टेडियम में जाकर देखो, यकीन करो पानी की एक बोतल आपको 200 रुपए की देखने को मिलती है, छोटी वाली बोतल। अभी मैं PSL का मैच देखने गया था, एक बिरयानी का डिब्बा 500 रुपए का। ओ भाई दिमाग दिमाग हिल गया तुम लोग का, मतलब तुम बाहर से कोई चीज लेकर स्टेडियम में ही जा सकते हैं? अबे इंग्लैंड में जाओ, दुबई में जाओ, UAE में जाओ, इंडिया में जाओ, अगर इंडिया में भी स्टेडियम के अंदर बेच रहे हो तो भाई रीजनेबल प्राइस होती है, लोग खरीद के खाते भी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ब्लैक मेलिंग चल रही है। अब कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ मैच देखने के लिए गया हुआ है कि भाई मैं फैमिली के साथ जाऊंगा, टाइम सेट करूंगा, अब उसके बच्चों को भूख लग रही है तो क्या करेगा, वो खाना नहीं लेगा। अगर वो 3 पैकेट भी बिरयानी के लेता है, 1500 रुपए के उसके पैकेट लगते हैं, वो जिस 2 टके के मैच के लिए 1500 रुपए खाने के लिए खर्च करे यार, इससे बेहतर नहीं बंदे घर बैठ के मैच देख लें? और लिटरली लोग बॉयकॉट कर रहे हैं भाई, यही कर रहे हैं, क्योंकि ये PSL ने हमें बर्बाद कर दिया है। ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट आई है ना पाकिस्तान में, लिटरली मैं कहता हूँ ना ही आती तो बेहतर है, हमारे मैचेस UAE में हो जाते, युगांडा में हो जाते, इथोपिया में हो जाते, हमें वो चीज़ बर्दाश्त थी। लेकिन ये कौन से इन लोगों ने मैचेस करवाए हैं रावलपिंडी के स्टेडियम की, तुम लोग हालत देखो है, इंडिया के क्लब क्रिकेट के मैचेस जो है ना वो इससे बेहतर स्टेडियम के अंदर होते हैं। यहाँ पर 5000 बंदा भी टोटल नहीं आया मैच देखने के लिए, और उनको ये लोग अम्ब्रेला तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर चलो अम्ब्रेला नहीं कर सकते। अबे खाना पीना तो देखो, बंदे 3 बजे से वहां पर बैठे हैं, शाम 3-4 बजे से बैठे हैं, रात को 11 बजे तक कह रहे हो मैच होगा, बारिश हो रही है, लोग बैठे हैं यार, कह रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, न्यूजीलैंड की टीम आई है, वेलकम तो करना है ना उनको। ऐसे तो पता नहीं चले कि हम किसी वीरान या खंडार में गए हुए हैं मैच देखने के लिए, हम कई लोगों में ही बैठ रहे हैं मैच देखने के लिए, ऐसा लगना चाहिए न्यूजीलैंड को। अब मैच नहीं हुआ, 2 बॉलों का मैच हुआ, वो एक अलग ही टॉपिक है भाई। मैच की ये मैनेजमेंट जो है ना PCB की, ये वैसे ही वाहियात है, ठीक है, इससे आप कुछ खास एक्सपेक्टेशन रखो भी ना कि हमारे लिए कुछ खास करेंगे। मुझे यहाँ पर दुख है लोगों के लिए, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास छतरी है, ना उनके पास कोई फैसिलिटीज है, ना वो बाहर से कोई खाना। अच्छा, स्टेडियम के अंदर एक रूल है कि आप जो है खाने पीने का सामान बाहर से नहीं लेके आ सकते हो, अगर आप अंदर आ भी गए हो एक दफ़ा, दोबारा बाहर जाकर अंदर नहीं आ सकते हो। मतलब क्यों
ये क्या, ये ड्रामा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अबे बगैरत के बच्चों, तुम लोग अपना दिमाग दिमाग ठीक करो, लोगों को कम से कम या तो सस्ती चीजें प्रोवाइड करो या फिर तुम लोग जो है कोई अच्छे खासे प्राइस कम करो, क्योंकि तुम लोगों ने तो बिल्कुल हड़बड़ मचाई हुई है भाई। पूरे पाकिस्तान की आवाम का खून चूस लिया ये पीसीबी ने। ये पीसीबी कर क्या रहा है भाई, ये यकीन। अच्छा, ये पैसा लेकर अपने ही पेट में जा रहे हैं। चलो माने ना, हो सके कि भाई पैसा लेकर तुम स्टेडियम के रेनोवेट कर रहे हो, तुम प्लेयर्स की सैलरी इंक्रीज कर रहे हो, तुम बहुत जो है वो लोगों को फैसिलिटीज दे रहे हो, लेकिन नहीं भाई, पता भी नहीं चल रहा ये पैसा जा कहाँ रहा है पीसीबी में। अगर पाकिस्तान वाले फैंस जो इतने सारा पैसा देते हैं तो वो पैसा किसके पिछवाड़े में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम पे तो खर्च नहीं हो रहा। ये न्यूजीलैंड वाला मैच जो हुआ है अभी रिसेंटली, इसकी तुम लोग हालत देखो स्टेडियम की, यार लानत भरी पड़ी है। अभी कल को सैटरडे को फिर मैच है, फिर देखना। मुझे तो लग रहा है कि लोग देखने नहीं आएंगे, बोलेंगे बेंच छोड़ो क्या ये घटिया मैच हम देखने के लिए जाएंगे। अबे खुद सोचो, एक बंदा अपनी जिंदगी ख्वार करता है यार 2 घंटे के मैच के लिए, 3 घंटे के मैच के लिए। हाँ, अगर यहीं पर कोई ऐसी टीम हो, आईपीएल वगैरह हो, तो भाई बंदा जाए भी देखने को, ताकि उनको पता है क्रिकेट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर चलो अनफॉर्चुनेटली हुआ कि क्रिकेट हमें वैसे ही नहीं देखने को मिली, मतलब 2 बॉलें देखने को मिल गई। शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह बोल्ड करके खुशी ऐसे मना रहे जैसे पता नहीं उन्होंने कौन से कोई ब्रेंडन मैकेलम को बोल्ड कर दिया हो, इतनी खुशियां मना रहे। वो नया डेब्यूटेंट था वो बच्चा, उसको बोल्ड क्या कर लिया, ये अपनी मस्तियां कर रहे हैं कि भाई हमने बड़ा बोल्ड कर दिया। और जो टीम तुम लोगों ने खिलाई है ना, पाकिस्तान ए प्लस वर्सेज न्यूजीलैंड की जी टीम, मतलब इसी बात के ऊपर लानत पड़ती है। सबसे पहले तो तुम लानत डिजर्व करते हो इस बात के ऊपर कि तुमने ये कौन सी वाहियात, बदबूदार, घटिया और बदतरीन जो है तुम लोगों ने स्टेडियम खिलाए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को ये प्लेइंग 11 खिलाते हुए। तुम लोगों ने न्यूजीलैंड की टीम का मजाक बनाने के लिए खिलाया था। अब जो भी हो, मुझे तो ये डर है कि शुक्र है मैच नहीं हुआ, वरना यही मैच जो है ना हम हार जाते, यही मैच हम हार जाते, और उसके बाद मेरा गुस्सा अभी तो वो समझ लो कि भाई 100 पे है ना, फिर मेरा गुस्सा 1000 पे चला जाता, और तब मैं तुम लोग की ऐसी मां बहन करता ना। तुम लोग जिंदगी भर याद रखते कि किससे पाला पड़ गया। तुम लोगों ने क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बना के रखा हुआ यार, बेशर्मी, बेगैरती, वाहियाती की इंतहा होती है। खाने के प्राइसेस देखो, हर चीज के प्राइसेस देखो, तुम लोगों ने पता नहीं कौन सा, अबे सीखो सीखो कुछ, आईपीएल से सीखो यार। मैं लोगों के ब्लॉग्स देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ यार, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोगों को मिलती हैं। वहाँ पर भी होगी कोई ना कोई प्रॉब्लम, आई एम श्योर कि वहाँ पर भी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अबे उनके स्टेडियम्स देखो, हमसे कोई लाख गुना दर्जे बेहतर जो है उनके स्टेडियम है। इसके बारे में बाय द वे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें साथ साथ मैं कंपेयर करूंगा आईपीएल का बड़ा स्टेडियम और पीएसएल का बड़ा स्टेडियम, और फिर आप लोग को बताऊंगा कि क्या औकात रह गई हमारी दुनिया में। मतलब दुनिया अब लिटरली हमारे ऊपर हंस रही है, अपनी टीम भी भेज रहे हो तो भाई वो अपनी बी सी टीम को भेज, बी को सी को भी नहीं, अपनी एफ जी एच को भेज रहे हैं कि बेटा जाओ तुम लोग जाकर पाकिस्तान को निपटा कराओ, हम जरा आईपीएल में बिजी हैं। शर्म आनी चाहिए लिटरली इन लोग को। ये बगैरत के बच्चे समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बगैरत के बच्चे। जो भी हो, अगर आप लोग भी ऐसे भी कोई रावलपिंडी गया था मैच देखने, तो भाई सच सच बता रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कि कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा। बाकी जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।